नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि घर के रसोई में आपको कौन से वो नियम करने चाहिए जिससे आपके घर में बरकत बनी रहेगी और घर में भी हमेशा सुख शांति समृद्धि रहेगी और आपका घर भी हमेशा साफ रहेगा, आपका किचन बिल्कुल क्लीन रहेगी। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आप कोई सब्जी खरीद कर लाते हैं तो आप उनको अलग अलग कर धोकर साफ कर जरूर जमाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जैसे ही सब्जी आए और आपने ऐसी की ऐसी फ्रिज में दी, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। घर में आपके कहते हैं कि आपकी जो अन्नपूर्णा माता होती हैं वो नाराज हो जाती हैं, वो खुश नहीं रहती हैं आपकी रसोई से। फिर तो इस तरीके से आपको करना चाहिए, ये एक पहला नियम था। दूसरा नियम है, जब भी आप आटा गूंथें तो नीचे बैठ के शांति से आटा गूंथें। आपको जल्दबाजी में और हड़बड़ी में कभी भी आटे को नहीं गूंथना चाहिए, क्योंकि ये जो एक प्रोसेस होती है, जो एक ये कार्य होता है, यही मेन चीज होती है आपके परिवार की, आपके उसके पेट तक जाना है, आपके परिवार के पेट में ये जाना है। तो फिर आपको इसको बहुत प्यार से आराम से ही गूंथना चाहिए और बहुत अपने जो मन है आपका उस समय बहुत शांत होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम विचारों से खाना बनाते हैं वही विचार आपके परिवार के अंदर भी जाते हैं। जैसे कहते हैं, जब आप खाना बनाएं तो खुश होकर खाना बनाना चाहिए, गुस्से में या फिर दुखी होकर खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो आपके परिवार वालों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, वो खाना कभी भी लगता नहीं है। तो जब भी आप आटा गूंथें तो इस तरीके से आपको आटा गूंथना है। कभी भी जो परात होती है उस पर पैर नहीं लगना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि वो पैरों में फंसाकर परात को फिर आटा गूंथते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अन्नपूर्णा माता रुष्ट हो जाती हैं। और इस तरीके से आटा गूंथने के बाद अपनी उंगलियों के निशान जरूर छोड़ें, नहीं तो ये एक पिंड का रूप ले लेती है। और इसका एक मतलब और भी है कि आपके घर में कोई भी आ जाए, कितने भी लोग आ जाए, कभी भी वो खाली पेट नहीं जाएंगे और आपका जो खाना है वो हमेशा बचेगा, कभी भी कम नहीं होगा, कभी भी कम नहीं पड़ेगा। तो जब से पहली जो रोटी बनाते हैं, पहली जो तवे पर हम रोटी डालते हैं वो हमेशा गाय की होती है। कई जगह पर गणेश जी की मानी जाती है, कई जगह पर ये रोटी अन्नपूर्णा माता की मानी जाती है। तो सभी लोगों की अलग अलग प्रथा है। बस ये है कि पहली और आखिरी रोटी कभी भी अपने परिवार वालों को, परिवार के सदस्यों को या खुद नहीं खाना चाहिए। पहली और आखिरी रोटी गाय और कुत्ते की होती है। तो ये देखिए, इस तरीके से जो आपकी पहली रोटी होगी, इसको आप हमेशा अलग से एक बड़ी रोटी बनाएं, छोटी सी रोटी ना बनाएं, छोटी थोड़ी बड़ी रोटी बनाएं। पहली और आखिरी थोड़ी बड़ी बननी चाहिए, जो कि आपके घर की बरकत को दर्शाता है। तो इस तरीके से इस रोटी को आप अलग से रख दें सबसे साइड में। और एक बात का ध्यान रखें, कभी भी तवे को खाली नहीं छोड़ना है। जब आप एक रोटी सेक रहे हैं तो एक रोटी आपकी तवे पर होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को जलना नहीं चाहिए, नहीं तो आपके परिवार वालों की सेहत जलती है, इस तरीके से माना जाता है। और ये जो आसपास जो आटा डाला रहता है रोटी बनाने के बाद, ध्यान रखें कि वो आटा कभी भी आप उसको सिंक में या झाड़ू में ना झाड़ें। आप इसको हमेशा आटे को आप चिड़ियों को डाल दें। और जब आप रोटी बनाते हैं तो चूड़ियां जरूर पहने, इससे आपका वास्तु दोष कम होता है घर का। कहते हैं ना कि कलह जो होता है वो कभी भी नहीं होता है, इसकी चूड़ियों की जो खनक होती है इससे वास्तु दोष जो होता है वो हट जाता है और पॉजिटिविटी आती है आपके घर में। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। और जब भी आप रोटी बनाए चाहे पराठे बनाए, कुछ भी जब भी आप किसी को परोसें तो वो हमेशा थाली में प्लेट में लेकर जाएं और फिर परोसना चाहिए। इसी तरीके से हमें नमक भी करना चाहिए। नमक कभी भी चुटकी से या हाथ से नहीं देना चाहिए, वो किसी कटोरी में देकर लेकर और फिर देना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा होता है। और कभी भी एक हाथ से पराठा रोटी ऐसी हाथ से खाली नहीं देना चाहिए, हमेशा प्लेट में रख कर फिर आपको परोसना चाहिए। कुछ चीज छोटे छोटे से नियम होते हैं जो कि हमारे बड़े बूढ़ों ने समझाया है, जो कि घर में बरकत को लाता है। तो ये रसोई में हर औरत को, हर स्त्री को पता होना चाहिए, ये नियम जरूर करना चाहिए। कभी भी चिमटे से पकड़कर रोटी को या पराठे को नहीं थाली में परोसना चाहिए जो खाना खा रहा है वो, और उसके लिए, और ये हमेशा प्लेट में लेकर और फिर आप उसको गरम गरम परोसें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए ऐसे ही जब आप पूड़ी बनाते हैं तो छोटी सी पूड़ी भगवान के लिए अलग से निकाल के रखें या फिर गाय के लिए अलग से निकालें, फिर अपनी पूड़ी पराठे बनाएं। और जो तवा होता है आपका, कभी भी गर्म तवे पे पानी नहीं डालना चाहिए। गर्म तवे पे पानी डालने से कहते हैं कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि जो होती है वो चली जाती है और आपके घर में कभी भी बरकत नहीं बनती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें आप कि आपको घर में कभी
भी गरम तवे पे पानी नहीं डालना है, ठंडा हो जाए फिर ही हटाना है। और लास्ट जो आपकी रोटी बनेगी वो आपके कुत्ते के लिए रहेगी, इसलिए आखिरी रोटी कभी भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप देखेंगे, अगर आप कभी ऐसा कर रहे हैं कि आखिरी रोटी आप खुद खा रहे हैं या अपने परिवार में किसी को दे रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि उसका व्यवहार अचानक से अग्रेसिव हो गया है, गुस्से वाला हो गया है। क्योंकि जो कुत्ता होता है, डॉग होता है, वो हमेशा एग्रेसिव रहता है, गुस्सा रहता है। तो जो चीज़ जिसके लिए बनी गई है उसी को देना चाहिए। पहली रोटी और आखिरी रोटी आपको कभी नहीं खाना है, बस इस बात का हमेशा ध्यान रखें आप। और इस तरीके से आपको इन सारे नियमों का पालन करना है जो कि आपके घर में हमेशा बरकत को लाएगा। और एक बात का विशेष ध्यान दें जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है, जब भी आप रसोई बनाएं, जब भी आप रोटियां बनाएं, जब भी आप अपने जो भी किचन का जो भी काम है वो करें, जो कि मेन चीज़ होती है खाना बनाने वाली जो बात होती है वो हमेशा नहा कर करना चाहिए, तो बहुत अच्छा होता है। और इस तरीके से आपको करना है, ये देखिए इस तरीके से आपको जब भी आप दाल बनाते हैं, दाल में क्या होता है कई लोग बस दाल को ऐसे ही चढ़ा देते हैं जो कि अच्छी नहीं मानी जाती है। दाल में हमेशा थोड़ी सी हल्दी ज़रूर डालें और फिर उसके बाद आप उसको गैस पर रखें। मतलब कि आपको बाद में छौंका लगाना है वो आप बाद में लगाते रहिए, लेकिन जब आपको बॉयल कर रहे हैं उसको सीटी लगा के पका रहे हैं उसमें हल्दी ज़रूर डालना है आपको। और इस तरीके से आप देखिए, ये कभी भी चकला बेलन को ऐसे ही छोड़कर नहीं जाना है, चाहे आपको कितनी भी जल्दी हो हमेशा चकला बेलन को तुरंत के तुरंत हाथों हाथ साफ कर रख देना चाहिए। जो भी आसपास जो आटा डला रहता है उसको भी साफ कर देना चाहिए। कभी भी रोटी का जो एक कहते हैं चौकोर जो चीज़ होती है या गोल चीज होती है रोटी की परथन की, वो बनी नहीं रहनी चाहिए, वो अच्छी नहीं मानी जाती है। और कभी भी गैस पर रात के समय चाहे दिन के समय खाली बर्तन कभी नहीं रखना चाहिए गैस पर। जब भी आप फ्री हो जाए खाने पीने से तो अपने गैस के बर्तन तुरंत हटा लें वहाँ से और गैस को तुरंत पोंछ कर साफ कर दें। चाहे आपको कितनी भी जल्दी हो रही हो, रात में भी देर हो गई हो, लेकिन ये तीन चीज़ें आपको जरूर करना है। अपने चकला बेलन को साफ करके रखना है, जो आपके जो कपड़ा या पेपर बिछाया है उस पर जो आटा है वो अपनी बालकनी या छत की पट्टी पर फटकार दें, जिससे कि चींटियाँ खा लेंगी, तो आपके घर का ग्रह दोष जो होता है वो हट जाता है और वो दुआएं भी देती हैं। तो इस तरीके से आपको करना है, गैस को बिल्कुल चमका हुआ रखना चाहिए, रसोई को हमेशा चमका कर रखना चाहिए, क्योंकि उसमें अन्नपूर्णा माता का वास होता है और आपके घर में जो भी मेहमान आते हैं वो खुश होकर जाते हैं, क्योंकि वो रसोई आपकी जब चमकती है तो आपका घर भी चमकता है, आपका भाग्य भी चमकता है। इस तरीके से अब करना है, देखिए अब इस तरीके से आपको पूरी गैस को साफ कर लेना है, पूरा चमका लेना है। और फिर आप जब खुद जब सुबह उठेंगे तो खुद अच्छा लगेगा, जब आप चाय बनाने के लिए आएंगे, जब कुछ काम करने के लिए नाश्ता बनाने के लिए आएंगे, आपको खुद अच्छा लगेगा कि ये किचन कितनी साफ और क्लीन है। तो ये जो नियम है वो जरूर अपने डेली रूटीन में आप शामिल कर लीजिए कि आपको ये जो नियम है वो जरूर करना है। तो आज का जो ये वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जरूर शेयर कीजिए, जिससे सभी को लाभ प्राप्त हो, सभी को इस बात की नॉलेज मिले। और आजकल की जो लड़कियां हैं नई न्यूली मैरिड हैं, तो उनको भी ये बात का मालूम चले कि हमें कैसे अपने जीवन में कुछ सुधारों की ज़रूरत है, जिससे घर में बरकत आएगी, कभी रुपए पैसे से संबंधित कोई भी चीज़ की कभी कमी नहीं पड़ेगी। देखिए इस तरीके से चकले बेलन को हमेशा साफ करना चाहिए। एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि चकला बेलन कभी भी किसी को देना नहीं चाहिए, कि कोई मांगने आ जाता है पड़ोस में कोई भी, तो चकला बेलन कभी किसी को ना दें, वो आपकी सुख शांति समृद्धि का प्रतीक होता है, एक सीक्रेट चीज़ होती है आपकी। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज का जो वीडियो है, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।